गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. सो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास. एंड एज वी नो दैट वी आर गोइंग थ्रू विद द चैप्टर 3 फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट द काबुलीवाला. सो इन दिस चैप्टर वी शैल रीड व्हाट द अफेक्शन इज. सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी रेड अबाउट द हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इसका हाफ पार्ट पढ़ा था. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ गर्ल एंड एन अ काबुलीवाला. यानी ये जो स्टोरी है वो एक गर्ल और एक काबुलीवाला के कहानी है. सो दिस गर्ल नेम वाज मिनी. जो गर्ल है उसका नेम क्या था? मिनी था. एंड शी वाज 5 इयर्स ओल्ड एंड शी वाज वेरी टॉकेटिव. वो 5 साल की थी और बहुत ज़्यादा बातें करती थी. एंड ऑल द टाइम शी हैज़ मेनी क्वेश्चन इन हर माइंड. हर वक्त उसके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते थे. सो वन डे शी आस्क्ड टू हिज फादर व्हाई द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो टू करो. यानी कि अपने फादर से पूछती है कि जो आपका जो हमारा डोर कीपर है वो क्रो को करो क्यों बोलता है. एंड भोला सेज दैट देयर इज़ अ एलिफेंट इन द क्लाउड ब्लोइंग वाटर आउट हिज ट्रंक एंड दैट इज़ वाई रेन. कि भोला कहता है कि क्लाउड में एक एलिफेंट है जो कि पानी अपनी ट्रंक से पानी आउट करता है जिसके कारण की रेन होती है. एंड देन शी आस्क फादर व्हाट द रिलेशन इज मदर टू यू. यानी मदर के साथ आपका क्या रिलेशन है. तो इस तरह के वो कई क्वेश्चन जो है अपने फादर से पूछती थी. तो वन डे वन शी आस्क्ड टू हिज फादर, जब वो अपने पापा से एक दिन कुछ पूछ रही थी तो सडनली शी हेयर द वॉइस ऑफ काबुलीवाला. तो अचानक से वो काबुलीवाला की आवाज़ सुनती है एंड शी फेल्ट स्केयर्ड. और बहुत ज़्यादा वो डर जाती है बिकॉज शी हेयर्ड अबाउट द काबुलीवाला दैट काबुलीवाला कैचेज द चिल्ड्रन एंड पुट दैम इन हिज सैक्स. तो अपने सैक्स के अंदर अपने बोरे के अंदर उनको डालता था एंड टेक दैम अवे और उनको दूर लेके चले जाता था. बट वेन शी मेट टू काबुलीवाला सो हर फेयर इज गोन. तो जो उसका डर था वो चला गया बिकॉज काबुलीवाला वॉज अ नाइस पर्सन. क्योंकि काबुलीवाला क्या था, एक बहुत ही अच्छा पर्सन था. जैसा भी वो काबुलीवाला के बारे में उसने जो सुना था वो सब चीज़ें क्या थी, फेक थी, गलत थी. तो इस तरीके से वो काबुलीवाला से जब मिलती है तो दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी रहमान द काबुलीवाला वॉज इन द हैबिट टू रिटर्निंग टू हिज कंट्री. And as his time approached, he would be very busy going from house to house collecting his debts. तो यानी कि साल में एक बार जनवरी के बीच में जो रहमान इट मीन्स काबुलीवाला, काबुलीवाला का जो नेम था वो क्या था, रहमान, जो है अक्सर क्या करता था, अपनी कंट्री वापस जाया करता था साल में एक बार. एंड नाउ ये जो टाइम वो टाइम आ गया था कि जब उसको क्या करना था, अपनी कंट्री वापस जाना था. तो इसलिए वो अब क्या कर रहा था, डोर टू डोर जाकर, मतलब हाउस टू हाउस जाता था वो अपने डेब्ट्स को. यानी डेब्ट इट मींस टू बोरो समथिंग, यानी कि जो लोगों ने उससे जो उधार लिए थे जो, तो उनको वो कलेक्ट करने के लिए में वो बिजी हो जाता है. सो इन द डिस्प्यूट रहमान, एक डिस्प्यूट में, यानी कि क्वेरल, डिस्प्यूट इट मीन्स क्वेरल, झगड़े में जो है रहमान से क्या हो जाता है कि द काबुलीवाला स्टैब्ड अ मैन. यानी कि एक मैन को वो क्या कर देता है, स्टैब्ड कर देता है. यानी उसके उसको वो एक मर्डर, उसका एक आदमी का उसके हाथों क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है. सो ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस एजॉल्ट रहमान वॉज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट. तो यानी कि इस, यानी कि उसको मर्डर के चार्ज में जो रहमान को जो होती है कुछ सालों की क्या हो जाती है, जेल हो जाती है. सो टाइम पास्ड एंड मिनी फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुलीवाला. नाउ मिनी वॉज ग्रोन अप इनटू अ प्रिटी मेडन. अब जो होती है, लेकिन इसी तरीके से समय जो है वो गुजर जाता है और जो मिनी है वो अपने ओल्ड फ्रेंड काबुलीवाला को अब क्या हो जाती है, भूल जाती है. नाउ मिनी वॉज ग्रोन अप इंटू अ प्रिटी मैडन. अब मिनी जो है वो छोटी लड़की से वो एक प्रिटी मैडन, यानी कि बहुत ही एक यंग लड़की में अब वो चेंज हो जाती है. शी वॉज गोइंग टू बी मैरिड. अब जो है उसकी शादी होने वाली होती है. देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट. और यहाँ पर मतलब कि उसकी एक्साइटमेंट का यहाँ पर कोई अंत नहीं होता है. आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स. मैं जो था अपनी, एक दिन मैं क्या था, अपनी स्टडी रूम में बैठा था और अकाउंट्स को चेक कर रहा था. वेन समवन एंटर्ड सल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी. तो एक दिन जो अचानक से कोई मेरे सामने आया, मुझे उसने सल्यूट करा बहुत ही रिस्पेक्टफुली और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया. इट वॉज रहमान. वो कौन था? वो रहमान था. रहमान इट मीन्स काबुलीवाला, द काबुलीवाला. At first I did not recognize him. पहली बार में मैं उसको पहचान नहीं पाया. There are ceremonies going on.
क्योंकि हमारे घर में क्या चल रही थी, एक सेरेमनी चल रही थी, एंड आई सेड एंड आई एम बिजी, कुड यू परहैप्स कम अनदर डे। तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम में क्या कहा कि मैं जो हूँ अभी सेरेमनी में जो बहुत बिजी हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या मेरे से बाद में मिल सकते हैं। सो एट वंस ही रिटर्न टू गो, बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड एंड सेड, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट। तो उसने क्या, एक बार जब वो वापस जाने लगा, लेकिन फिर वो जो है दोबारा से मेरे डोर पे आया और बहुत ही हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाते हुए उसने मेरे से कहा कि क्या मैं वो लिटिल वन, जो लड़की है, छोटी सी बच्ची को क्या मैं देख सकता हूँ, क्या मैं कुछ देर के लिए उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ। इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, ये क्योंकि उसको ये विश्वास था कि मिनी जो उसने पहले मिनी जो 5 ईयर्स की मिनी उसने देखी थी, मिनी अभी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज ही यूज कॉलिंग ओ काबुली वाला, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही पिक्चर थी कि जिस तरह से मिनी उसको देख कर भागती भी आती थी और कॉल करती थी काबुली वाला। ही हैड इमेजिन्ड टू दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टुगेदर जस्ट एज ऑफ ओल्ड। तो उसको मतलब वो ये चीज़ों को इमेजिन करने लगा कि किस तरीके से पहले दोनों साथ में बैठते थे, बातें करते थे और हंसते थे जैसे कि वो पहले किया करते थे। तो टीयर्स केम टू माय आईज, मेरी ये चीज़ें देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आई फॉरगॉट दैट ही वॉज अ पुअर काबुली फ्रूट सेलर, मैं ये चीज़ भूल गया कि वो एक गरीब काबुली फ्रूट सेलर है। ही ऑल्सो वॉज अ फादर, वो भी क्या है, एक पिता है। आई कॉल्ड मिनी एंड शी केम इन हर ब्राइडल ड्रेस, मैंने मिनी को बुलाया और वो बाहर अपनी ब्राइडल ड्रेस में वो बाहर आई। द काबुली वाला वॉज स्टन टू सी हर, और काबुली वाला उसको देख के स्टन रह गया क्योंकि जैसा उसने इमेजिन किया था मिनी को, वो कि अभी भी मिनी जो है वो 5 ईयर्स मिनी जो थी उसके दिमाग में थी, लेकिन नाउ द मिनी वॉज अ ग्रोन मैडन, अब जो है वो एक यंग लड़की हो चुकी थी। तो ये देखकर जो काबुली वाला है उसको देखकर बिल्कुल अचंभित रह गया। ही रियलाइज दैट हर ओन डॉटर टू वुड हैव ग्रोन अप नाउ, तो उसको लगा कि उसको याद आई कि उसने रियलाइज़ किया कि जो उसकी अपनी बेटी है वो भी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी। आई गेव सम मनी टू हिम एंड सेड गो एंड सी योर डॉटर मे यू फील हैप्पीनेस, मैंने उसको कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि वो वापस जाए और अपनी बेटी से मिले और हो सकता है कि उसको इस चीज़ से क्या मिले, खुशी मिले। सो आई हैड टू कर्टेल सम ऑफ फेस्टिविटीज़, और जब मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए तो मुझे कुछ फेस्टिविटीज़ यानी कि कर्टेल इट मीन्स कुछ सब्ट्रैक्ट करना, थोड़ा सा कम करना, अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करना, यानी कि उनके घर में जो उत्सव चल रहा था उसमें उनको अपने उत्सव के में उनको अपने कुछ खर्चे कम करने पड़े। वी कुड नॉट अफोर्ड द इलेक्ट्रिक लाइट एंड द मिलिट्री बैंड, अब क्योंकि उसने कुछ पैसे जो हैं काबुली वाला को दे दिए थे उसको वापस घर जाने के लिए, तो उन्हें अपने खर्चों में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ी क्योंकि अब जो है वो जो लाइट्स को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इलेक्ट्रिक लाइट्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और मिलिट्री बैंड जो है वो शादी में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट टू मी द वेडिंग फीस वॉज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट दैट इन अ डिस्टेंस लैंड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर वॉज गोइंग टू मीट अगेन विद हिज ओनली चाइल्ड, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी ये, लेकिन जो वेडिंग फीस्ट थी वो और भी ज़्यादा ब्राइटर हो गई ये मेरे इस, मैंने जब ये सोचा कि जो एक बिछड़ा हुआ पिता जो है आज बहुत लंबे टाइम बाद अपनी एक इकलौती चाइल्ड से मिलने जा रहा है, तो इससे जो मेरी जो फीस्ट थी यानी कि जो शादी की दावत है वो और भी ज़्यादा दुगनी क्या हो गई, ब्राइटर हो गई। सो द चिल्ड्रन दिस इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ये जो आपका चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक नॉवल से लिया गया है काबुली वाला। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप यू वुड एन्जॉयड इट। एंड नाउ द चिल्ड्रन टुडे यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर एंड दैट इज़ योर टुडेज होमवर्क, आपको क्या करना है पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, यू हैव टू रीड दिस ऑल चैप्टर एंड for the work we will do in our next class, we will do book work in our next class, till then bye, take care, stay home, stay safe.